हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। गाइज, आप सभी के इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं कि सर हम बिल्कुल ही बिगनर्स हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करना है। तो आज का वीडियो बिल्कुल बिगनर्स वाला वीडियो है। यहाँ पे मैं एडोब एनिमेट के बारे में थोड़ी बातें आपसे करने वाला हूँ। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। मैं आज बात करने वाला बिल्कुल ही बिगनर्स वाली, बिल्कुल ही नया, ऐसा समझो कि आप बिल्कुल ही नए हो। आपने अभी अभी सुना कि एडोब एनिमेट कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कार्टून बनते, प्रोफेशनल जो एनिमेटर होते हैं इसी में काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे जो डेस्कटॉप में, यहाँ पे एडोब एनिमेट 2019 है। तो इस तरह का ये रहता है, मतलब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और 2022 भी का नया लेटेस्ट वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास 19 का है। 19 का क्या रहता है, थोड़ा ये हल्का रहता है, 8 GB रैम में अच्छे से चलता है। तो अगर आपका सिस्टम 8 GB वाला है तो आप ये 19 वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, या तो 22 वाला डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास 16 GB रैम है और प्रोसेसर आपके पास i5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं आपको, मैं ओपन करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ और सीधा जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना तो इस तरह ओपन होता है। ये बिगिनर्स के लिए, पहले बता दूं कि बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको बहुत कुछ आ चुका है, तो ये वीडियो मत देखना, सिर्फ बिगिनर्स के लिए जिसने अभी अभी ये देखा है कि एडोब एनिमेट होता क्या है शुरू के लिए। तो इस तरह ये ओपन होता है। तो यहाँ पे जब ओपन होता है ना, तो आप देखोगे फुल HD, HD या फिर 4K या फिर नॉर्मली आप नॉर्मल वीडियो बनाना चाहते हैं जो कि 640 और 480 पे, 480। तो इतने पे, तो जहाँ आपको जैसे भी वीडियो बनाना है उस पर आपको डिपेंड करता है कि आपको स्टेज साइज़ क्या रखना है। तो यहीं से आपको स्टेज साइज़ को मतलब डिसाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे पहले है फुल एचडी का साइज़, यहाँ पे देखोगे 1920x1080, ये इतना है 1920 और 1080, ये फुल HD है। और दूसरा देखोगे HD है, तो उसके बाद देखोगे 4K। तो ज़्यादातर देखोगे मोस्टली जो यूट्यूब के लिए जो कंटेंट बनते हैं फुल HD बनते हैं, तो फुल HD आप रख सकते हैं, आप 4K भी रख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर 4K में रखने से क्या होता है? देखो 4K में क्या होगा प्रॉब्लम, क्वालिटी तो आपका अच्छा आएगा, लेकिन क्या होता है कि जब आप 4K वाला MOV मारोगे तो काफ़ी हैवी रहता है, जिससे कि आपका सिस्टम बहुत जल्दी मतलब फुल हो जाता है। और साथ में जब आप काम करोगे तो काफ़ी मतलब वो अटक जाएगा। तो इसीलिए 4K में मत बनाना अगर आपके पास 8 GB रैम है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप फुल HD बनाओ या HD बनाओ, तो फुल HD बनाओ तो बेटर है, फुल HD सही है। ठीक है, अगर आपको जैसे कि किसी ने मुझे कहा कि सर 4K वीडियो कैसे बनती है, तो यहीं से वो 4K में बनती है। जो स्टेज साइज है यहीं पे डिसाइड होता है, ना कि पहले, जैसे कि पहले फुल HD बनाया फिर आप चाहते हो कि उसको 4K में बनाया, ऐसा नहीं होता है कि 4K बनाने के फुल HD जो MOV निकालने के बाद वो MP4 निकालने के बाद आप इसको फुल HD बनाओ। तो फुल HD बनाने के लिए आपको पहले से इसको फुल HD साइज करना होता है। तो यहाँ पे ये सब है, मैं फुल HD रख रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विड्थ और हाइट के बारे में, तो फुल HD का यहाँ पे बता दिए, यहाँ पे हाइट मैंने कितना है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे फ्रेम रेट, तो फ्रेम रेट आपको 24 रखना या फिर आप 30 रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 30 रख रहा हूँ या 24 रख रहा हूँ, तो मैं 30 ही रख रहा हूँ। और यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको जो एक्शन स्क्रिप्ट है, तो वो 3.0 ही रखना, बाकी आपको ये सब नहीं रखना, 3.0 ही रखना है। तो बाकी यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं करना, सीधा आपने क्रिएट करना। जैसे आप क्रिएट करते हो आपके पास से यहाँ पे खुल के आएगा इस तरह। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह खुल के आ रहा है, तो मैं पहले इसको थोड़ा यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे, बस ये वाला सेटिंग नहीं करना आपने जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। तो ये वाला सेटिंग नहीं करना जो मैं ये कर रहा हूँ अभी, ये सेटिंग नहीं करना है। इसके बाद जैसे ही आपने वहाँ से क्रिएट करना है ना, तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे नॉर्मली ओपन होके आता है जो यहाँ पे अभी मैं बताऊँगा। तो इस तरह आता है, थोड़ा सा वेट करना, तो इस तरह आता है खुल के, ये आता है खुल के। ठीक है, ये खुल के आता है जो मैंने अभी यहाँ पे सेटिंग किया, थोड़ा सा ये वाला नहीं करना, ये मेरे सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपके सिस्टम में नहीं होगा, आपके सिस्टम इस तरह खुल के आएगा। मेरे को एक कमेंट आया था कि सर आपका टाइमलाइन ऊपर आता है, ये सब नीचे आता है और इधर उधर आता है, तो उसका क्या प्रॉब्लम है? तो एक्चुअली यहाँ पे देखोगे ना, ऊपर लिखा होता है यहाँ पे क्लासिक, तो ये क्लासिक है ना, यहाँ पे अगर आप एनिमेटर रखोगे तो नीचे आएगा। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं एनिमेटर करता हूँ, तो एनिमेटर के लिए देखो ये किस तरह आगे खुल के ऐसा। तो मैं मोस्टली यहाँ पे क्लासिक पे काम करता हूँ, जितने भी एनिमेटर रहते हैं क्लासिक पे काम करते हैं। जो भी आप यहाँ पे चेंज करते रहते हो सब यहाँ पे एक एक करके आप देखोगे, यहाँ पे डिजाइनर है, डिजाइनर का रख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लासिक रखूंगा, तो आप भी क्लासिक ही रखना। और क्लासिक से ये इस तरह आ जाएगा, टूल्स यहाँ पे आ रहे हैं, टाइमलाइन यहाँ पे आ रहे हैं, तो टाइमलाइन हम नीचे नहीं रखेंगे, प्रॉपर इस तरह रखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे साइड में प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो यहाँ पे मैं आज बात करूंगा आपको सबसे पहले ये पब्लिश सेटिंग के बारे में। पब्लिश सेटिंग क्या होता है? पब्लिश सेटिंग वो होता है जैसे कि कोई भी मतलब जो मैं वैसे अपने वीडियो में बताता हूँ, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो आपको पता होगा, हर बार बताता हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे कंटेंट बनाऊंगा बिगनर्स के ऊपर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं कम बातें करने वाला हूँ, धीरे धीरे बिगनर्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया किस तरह ओपन करते हैं। और ये जो पब्लिक सेटिंग होती है, ये होती है ऑडियो की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि वीडियो का बिट रेट 100 होना चाहिए,
वैसे ही इसका बिटरेट होता है, अगर बिटरेट कम होता है तो क्वालिटी घट जाता है। आपने देखा होगा रोबोटिक टाइप का आवाज़ आ रहा है, फटाफट आवाज़ आ रहा है। अगर आप सीधा यहाँ पे वॉइस ओवर रखते हो, सीधा रेंडर मार देते हो MOV या MP4, तो वो जो वॉइस है बिना सेटिंग के, यहाँ पे पब्लिक सेटिंग अगर बेस्ट ना हो यहाँ पे, तो वो बिल्कुल क्या होता है नॉर्मली वो फटी सी आती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, JPG क्वालिटी 100% और यहाँ पे जो इसको बेस्ट करना होता है और जो नीचे जाके यहाँ पे इसको 128 करना होता है, बिट रेट और नीचे क्वालिटी को बेस्ट और बिट रेट को 128 करना होता है। और ऊपर जो यहाँ पे ये रखा है MP3 रखना, ये पहले से ही होगा, इतने रखना। बाकी यहाँ पे जो टिक पड़ा है यहाँ पे टिक ही रखना, सीधा आपने ओके कर देना। सेम जो ये अभी आपने ऑडियो जो ऑडियो स्ट्रीम में किया है, नीचे जो ऑडियो इवेंट है यहाँ पे भी आपको करना है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये ऊपर सेटिंग नहीं करना, नीचे आना है, यहाँ पे देखोगे सीधा यहाँ पे आके 128 करना है जो बिट रेट है, और यहाँ पे नीचे आना, क्वालिटी को बेस्ट कर देना, ओके कर देना। बस ये वाला सेटिंग जरूर करना, ये तीनों सेटिंग इसका हो गया और ये स्ट्रीम का हो गया, इवेंट का हो गया। इस तरह मैंने कर दिया और मैंने ओके कर दिया। अगर आप नए हो तो आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छी जानकारी है, अगर आप पुराने तो आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार बताया और ये वीडियो बनाई उनके लिए जो बिल्कुल ही नए हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रीम और इवेंट के बारे में बताया। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे जो स्ट्रीम और इवेंट के बात करूँ, जब आप यहाँ पे ऑडियो लाओगे तो यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे कोई ऑडियो नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑडियो होता तो मैं आपको ऐसा बता दूंगा, जो ऑडियो होता है तो हमारा ऑडियो हमेशा स्ट्रीम में रहना चाहिए। यहाँ पे साइड में यहाँ पे आता है कि स्ट्रीम और इवेंट क्या होता है, तो हमें हमेशा स्ट्रीम में रखना है, इवेंट में नहीं रखना है। यहाँ पे मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगा सबकी क्या क्या चीज़ें होती है। बाकी मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ बिगनर्स पे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पब्लिक सेटिंग कैसी होती है, क्या होती है, ठीक है। बाकी आपको धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसमें सिर्फ मैंने इतना बताया कि जो यहाँ पे देखोगे जो क्लासिक में, यहाँ पे इसको मुझे क्लासिक रखना है ताकि ऊपर रहे, मुझे एनिमेटर नहीं रखना ताकि यहाँ पे मेरा इधर उधर ना रहे, मुझे नॉर्मल इस तरह चाहिए। बाकी ओपन करना कैसे करना, और साथ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको 4K में बनाना है तो पहले ही 4K स्टेज साइज होना चाहिए, ना कि अपना फुल HD साइज होना चाहिए। फुल HD साइज के बाद रेंडर मारने के बाद आप सोच रहे हो अब मुझे उसको 4K में बनाना है, ऐसा नहीं होता है, ये एक जानकारी आपके लिए नहीं है। तो गैज मैं यही कहूँगा, अगर आप बिगनर्स हो जो आप मुझे कमेंट करते रहते हैं सर कि आपने पहले शुरू से बताओ कि कैसे ओपन करते हैं, क्या करते हैं, टूल्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इन सब पे वीडियो बना चुका हूँ। बिगनर्स वाले सीरीज को देखना, प्लेलिस्ट में जाके आपको समझ आ जाएगा। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, अगर आप बिगनर्स हो अगर मेरा वीडियो अभी देख रहे हो तो अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें आपको पता नहीं यहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे कमेंट करना, अगले मैं वही वीडियो बनाऊंगा, कमेंट जरूर करना कि किस चीज़ पे आपको यहाँ पे वीडियो लाना है बिगनर्स के ऊपर। तो ये छोटा सा वीडियो था, बस एक छोटी सी जानकारी थी क्योंकि कमेंट बार बार आ रहे थे, तो उसी को मैं मैसेज भी बार बार आ रहे थे इंस्टाग्राम में, तो मुझे इसी पे मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया।